पहले आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है। जब मैं बात करूंगी डायरेक्ट टैक्स, तो वो हमारा एक तो होता है इनकम टैक्स। आप सबको पता है डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? इनकम टैक्स को, जो डायरेक्टली आप पर अप्लाई होता है, मतलब जो इंसान टैक्स पे कर रहा है वही उसी का वो टैक्स है। मतलब टैक्स की भरपाई भी जिसने करनी है वो खुद गवर्नमेंट को टैक्स पर पे कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली टैक्स पे करने को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। और साथ में डायरेक्ट टैक्स में एक और चीज आती है, प्लीज लिखिए, अगर आपकी कोई फॉरेन की इनकम या एसेट है जिस जो अनडिस्क्लोज्ड है, उस पर जो टैक्स लगता है वो भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। ओके, तो एक बार मतलब पेपर में वो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे पेपर में लिख दे जीएसटी डायरेक्ट टैक्स होता है क्या, आप बोलेंगे नहीं। आप सबको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। और साथ में कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी होती है ना, बाहर से आप सोना लेकर आए हो तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा नॉल, ठीक है ना। सो जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी बेसिकली ये टैक्स जो है सेलर से आगे कस्टमर तक शिफ्ट होता है। सो पे सेलर करता है, लेकिन पे कस्टमर करता है एक्चुअल में, और सेलर जो है वो गवर्नमेंट को देता है, दैट्स वाई इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है जी। अब जो जो टैक्स है ये बोला गया है आर्टिकल 265 कहता है कोई और टैक्स पे नहीं कर सकता, कोई और जो है टैक्स चार्ज नहीं कर सकता एक्सेप्ट गवर्नमेंट। पे नहीं कर सकता कोई भी बिना गवर्नमेंट की मर्जी के, दैट इज फॉर एग्जांपल अगर आप लायबल ही नहीं हो, अगर आपकी इनकम ही साल की 2.5 लाख से नीचे है तो आप कैसे आप पेमेंट नहीं करोगे। आज दूसरा, अगर आपका गवर्नमेंट जो है वही टैक्स आपसे चार्ज करेगी, आप उनके अलावा किसी और को टैक्स नहीं दोगे, ये आर्टिकल 265 में कहा गया है। ओके, चलिए उसके बाद हमारा लिखिए लिखिए सेवेंथ स्केड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 कहता है, सेवेंथ स्केड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 कहता है तीन तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो जो रूल्स वगैरह या जो पावर्स है वो पार्लियामेंट के पास है वो यूनियन लिस्ट में आती है, कोई भी स्टेट के रिलेटेड जो लॉज वगैरह बनाने हैं वो स्टेट लिस्ट में आती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो आते हैं वो स्टेट लिस्ट में आती है, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जिसमें इंक्लूडेड हो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो पार्लियामेंट किस में, पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर होती है, यूनियन लिस्ट बनाने की, मतलब यूनियन लिस्ट के रिलेटेड पावर्स पार्लियामेंट के पास होती है, मतलब सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेजिस्लेटर स्टेट लेवल पर अगर लॉ बनाना है तो वो स्टेट के पास होगी, और सेंट्रल और स्टेट दोनों का बनाना है तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। इनकम टैक्स कौन से लिस्ट में आता है, एनीवन हु कैन टेल मी, इनकम टैक्स कौन से लिस्ट में आता है? हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स कौन से लिस्ट में आता है, मतलब यूनियन लिस्ट में आता है। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट एंड इसका स्केड्यूल कौन सा, सेवेंथ स्केड्यूल, आर्टिकल कौन सा 246। तो पेपर में आए इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में आता है, आपने बोला एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, कौन से स्केड्यूल में आता है, सेवेंथ, कौन से आर्टिकल में आता है, 246। ओके ओके, चलिए तो इनकम टैक्स सबसे पहले कब आया, सबसे पहले इनकम टैक्स 1961 में आया, 1 अप्रैल 1960 एक्ट बना 1 अप्रैल 1961 में, और इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1 अप्रैल 1962 में। इसमें कितने सेक्शंस है, 298, और स्केड्यूल कितने हैं, 14, स्केड्यूल कितने हैं, 14।
बस इतना ही याद करेंगे। देन फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए, हेडिंग डालो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 4 बताता है कि इनकम टैक्स जो है उसे कैसे चार्ज करना चाहिए, मतलब रेट्स जो है वो सेक्शन 4 के अंदर आते हैं। और ये बोला गया है कि हर एक पर्सन जो इनकम टैक्स के अंदर आता है वो उसे चार्जेबल है टैक्स होना। तो पर्सन की डेफिनेशन किसमें आती है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। पर्सन पर्सन मतलब जो इनकम टैक्स पे करता है। अब पर्सन में क्या आता है, आप सबको पता है, ए इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म एंड कंपनी। तो कितने पर्सन हो गए, फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकेंड HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फोर्थ BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फिफ्थ फर्म, देन कंपनी। ठीक है जी, पता लगा सबको, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब आप किसी ग्रुप का पार्ट हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में आ जाता है, जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जैसे कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई एसोसिएशन बनाई हुई है, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन जैसे होती है, लाइक दैट है ना एसोसिएशन। एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में अलग अलग तरीके के आ जाते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बांट देते हैं, उसमें आ जाएंगे। सो हमारे जो पर्सन है ये सारे हैं, और ये सारे पर्सन की डेफिनेशन जो है, पर्सन आता किस सेक्शन में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। ओके, आगे आपकी टोटल इनकम जो आपने प्रीवियस ईयर में अर्न करी है, आपको पता ना एक होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, एनीवन हु कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, तो बता सकते हैं। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बताओ फटाफट। सो प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल की इनकम पर टैक्स लगेगा, असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल पे करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, पिछला साल, पिछले साल की इनकम पर इस साल टैक्स पे करना पड़ता है। तो पिछला साल इज प्रीवियस ईयर, ये वाला साल जो करंट चल रहा है वो असेसमेंट ईयर, क्योंकि इस साल टैक्स आपका पेमेंट होता है। ओके, क्लियर हुआ। चलिए एक बार, एक तो हमारा ये इंपॉर्टेंट था, एक जो नई टैक्स स्लैब्स है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 लाख तक आपका टैक्स क्या है, बिल्कुल निल, 3 से 6, 5%, सिंपल है। पहले 5% बढ़ाई जाना है, 15 लाख के ऊपर जब वाली कैटेगरी आएगी उसमें सीधा 10% बढ़ाना है। तो 3 लाख तक निल, 3 से 6, 5, 6 से 9, 10, 9 से 12, 15% टैक्स, 12 से 15, 20% टैक्स। अब 15 लाख से ऊपर जितना होगा वो हमारा 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। ये रेट, इसे इस रेट को क्या बोलते हैं, इस रेट को अब बोला गया है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। एक है टैक्स ओल्ड रिजाइम वाला जो मैंने आपको कल फाइल भेजी थी, एक है डिफॉल्ट, मतलब अगर आप कोई भी सिलेक्ट, आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सा करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली ये न्यू वाला टैक्स जो है वो लगेगा, ठीक है। न्यू वाला टैक्स जिसमें 3 लाख तक एग्जम्पशन है वो आप पर एप्लीकेबल होगा, इसीलिए इसे बाय डिफॉल्ट कहा गया है। डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर आपने कोई सेटिंग नहीं करी है तो ऑलरेडी जो सेटिंग हुई होती है वो, तो वो सेटिंग ये मानी जाएगी। और ये जो रेट्स है ये कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं, लिखो, ये सेक्शन आता है 115 BAC, 115 BAC पर कहते
अगर आप ये वाले रेट ऑफ टैक्स लेना चाहते हो इस रिजाइम के अंदर, आपको कुछ एग्जम्पशंस या डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। कौन कौन सी डिडक्शन है पहले उसका एक चार्ट बनाओ, और ये सारे नोट्स मुझे सेंड करने हैं, आकांक्षा मीनल ग्लोरिया, ठीक है, जो आप लिख रहे हो अभी अच्छे से बनाना, लिखो। कहते अगर आप ये डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम के अंदर आते हो तो आपको लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पता ना क्या होती है, जो खुद की प्रॉपर्टी है, जिस पर हम जिसको लेट आउट नहीं करते, अगर उसके इंटरेस्ट पर आपको डिडक्शन चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ये नहीं मिलेगा। ठीक है जी, समझ गए सभी बच्चे? तो ये आपने याद करना है कि ये तीन चार चीजों पर आपको टैक्स जो है क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। आपको इस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप 2.5 लाख से सीधा 3 लाख वाली एग्जम्पशन पर आ गए हो, तो आपका बेनिफिट आपको पहले से ही मिल गया है, दैट्स वाई। ओके, समझ गए? और जो पुराना टैक्स रिजाइम है उसे क्या बोला जाता है, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, ये भी पेपर में आ सकता है। ये नए वाले टैक्स रिजाइम को क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। पुराना वाला जो टैक्स था उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। ऑप्शनल का मतलब कि आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इसके अकॉर्डिंग भी टैक्स भर सकते हो, ठीक है ना। अब इसका एक बार टैक्स देख लेते हैं, 2.5 लाख तक आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, जीरो, ठीक है। फिर 2.5 से 5 तक कितना भरना पड़ेगा, 2.5 से 5 तक कितना भरना पड़ेगा, 5। फिर 5 से 10 तक कितना भरना पड़ेगा, सीधा 5 से 10 तक भरना पड़ेगा आपको 20%, ठीक है जी। 5 से 10 लाख तक अगर आपकी इनकम है, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30%। ओके, क्लियर हुआ? सबने पुराने और नए वाले को एक बार रिवाइज कर लिया है? कौन कौन से हैं बता दो मुझे एक बार फटाफट से बताओ। चलिए, कहते सरचार्ज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सरचार्ज जो है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज जो है आपको एक्स्ट्रा एक टैक्स है, ये भी भरना पड़ेगा। ओके, लिख लो। सरचार्ज कब भरना पड़ता है, जब आपकी इनकम 50 लाख एंड अबव है। देन लिखो रिबेट अंडर 87A। जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उनको 87A के अंदर कुछ छूट भी मिलती है टैक्स पे करने की। अगर आप नए वाले टैक्स रिजाइम को फॉलो कर रहे हो तो आपको रिबेट तब मिलेगी अगर आपकी इनकम 7 लाख के अंदर अंदर है, और अगर अगर आप पुराने टैक्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको रिबेट तभी मिलेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है। तो समझ गए, ये 2 लाख रुपए बढ़ा दिए गए हैं नए टैक्स रिजाइम में, रिबेट के अंदर, अंडर सेक्शन 87A। पेपर में ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है कि पहले रिबेट पर कितना, आप रिबेट में कितनी कितने इनकम तक आपको छूट मिलती थी, रिबेट आपको आपका था 5 लाख, अब कितना हो गया है, 7 लाख, ठीक है जी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो अभी भी 4% ही है, पहले भी ये सरचार्ज का एक्स्ट्रा होता है, जैसे सरचार्ज जितना आपका टैक्स लग रहा है उससे एक्स्ट्रा एक टैक्स होता है, ठीक है, ये 4% होता है।
ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट एक हेडिंग डालो, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। लिखो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। कहते गवर्नमेंट चाहता है आप इन्वेस्ट, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट पर क्या करो, पैसा लगाओ। उससे क्या है, इसलिए गवर्नमेंट क्या देता है, आपको बेनिफिट भी देता है कि आप अपना टैक्स कम पे करना अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट पर पैसा लगा रहे हो। तो आप नए टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग भी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है कम से कम टैक्स पे कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट की इन स्कीम्स पर पैसा लगा रहे हो, ठीक है, अंडर सेक्शन 115 BAC, ठीक है ना। तो मतलब ये कहना क्या चाहता है कि आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़ेगा, क्यों, अगर आप गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हो, क्योंकि फिर वो छूट मिल जाती है ना। ये होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, आपके पास ऑप्शन हो जाता है बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना। एक हमारा पॉइंट होता है एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स। लिखो हेडिंग डालो एडवांस टैक्स। कहते गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे कर सकते हो। पहला 15 जून को या उससे पहले, देन 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। आप इन डेट्स को भी अपना जो टैक्स है पहले से ही पे कर सकते हो, अपना एक हिसाब से गेस वर्क लगाकर कि मेरी इस साल का प्रोजेक्शन प्रॉफिट इतना होगा तो मैं इतना टैक्स पे कर दूंगा। अगर ज्यादा टैक्स बनता है तो आप एक्स्ट्रा एंड में पे कर देते हो, अगर एक्चुअल जो टैक्स है वो कम बनता है आपका, तो जो आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया हुआ है वो नेक्स्ट ईयर में वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं एडवांस टैक्स पेमेंट, ठीक है ना। कहते हैं सैलरीड इनकम वालों के लिए ये एडवांस टैक्स तभी पेमेंट हो सकती है अगर एम्प्लॉयर आपका टैक्स से डिडक्ट करे। मतलब सैलरीड इनकम वालों के लिए जो टैक्स पेमेंट होती है वो करना, मतलब टैक्स से रिगार्डिंग एडवांस में पेमेंट करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर्स की, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करते हैं। पहला असेसी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। असेसी वो हर एक इंसान है जिसकी इनकम, या अगर उसकी इनकम नहीं है वो किसी और की इनकम, बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कई लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खुद का टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं डीम्ड टू बी एन असेसी। मतलब नॉर्मल असेसी बोल सकते हो जो अपना टैक्स खुद पे करता है, ठीक है जी। अब एक होता है असेसी इन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिहाफ पर कोई और टैक्स पे कर रहा है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, आपका कोई फ्रेंड कर रहा है, तो वो इन चीजों में आ जाता है। तो इसलिए कहते हर एक इंसान असेसी नहीं होता, बट हर एक असेसी इंसान जरूर होता है। मतलब जो टैक्स पे कर रहा है वो इंसान ही होगा ना, जानवर तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। सो इस डेफिनेशन पेपर में आ सकती है एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एन असेसी। सो असेसी कौन से होते हैं, एक असेसी इन डिफॉल्ट होता है और एक नॉर्मल डीम टू बी असेसी, जिसने मतलब इनकम टैक्स पे करना है, अपनी इनकम पर पे करना है, ओके। नेक्स्ट ये असेसी का सेक्शन क्या था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। नेक्स्ट सेक्शन है असेसमेंट का, असेसमेंट का सेक्शन होता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 8।
असेसमेंट मतलब जब आप अपना प्रोसीजर जो इनकम का असेस करते हो कि मेरा कितना टैक्स बना होगा, नाउ पर्सन, पर्सन हमारे कितने तरीके के होते हैं, 7 तरीके के होते हैं, लिख लो इंडिविजुअल। पहले पर्सन का सेक्शन कौन सा, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। सो एक एक करके समझते हैं। पहला पर्सन होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है औरत भी हो सकता है, लेकिन लेकिन कहते अगर जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, अगर वो माइनर है, जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं ना, तो माइनर हो गए ना 18 साल से नीचे, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का है, तो उस केस में उनके गार्डियन या मैनेजर जो है वो उनकी इनकम रिसीव करेंगे, और अगर कोई बंदा मर गया है तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो बन जाते हैं इंडिविजुअल टैक्स पे करने के लिए, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल पता लग गया, एक नेचुरल पर्सन होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, माइनर भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, लेकिन माइनर और अनसाउंड माइंड के केस में हमारे गार्जियन या मैनेजर वो लोग करेंगे। देन कम्स HUF। HUF क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो ज्वाइंट बिजनेस चलाते हैं उनको HUF में काउंट किया जाता है। सो HUF का जो हेड होता है उसे बोलते हैं कर्ता, KARTA, कर्ता। सो जो कर्ता होता है बेसिकली वो टैक्स पे करता है अपनी पूरी फैमिली के बिहाफ पर, कर्ता होता है फैमिली का हेड, ठीक है जी, ठीक है जी। और जो बाकी के मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, जो और बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल कर्ता हो गए दादाजी, और दादाजी के 2 बेटे हैं, तो वो 2 बेटे क्या बनेंगे, को पार्टनर्स, COPARCENERS, को पार्टनर्स, ओके। अब कहते 6 सितंबर 2005 के बाद बेटियां भी को पार्टनर्स कहलाती हैं, मतलब अगर बेटियां चाहे तो वो भी उनका उनका भी प्रॉपर्टी में या बिजनेस में हक हो सकता है आराम से। 2005 के बाद आए पेपर में आपको अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आर डॉटर्स आल्सो बी इंक्लूडेड एज को पार्टनर्स, आंसर विल बी यस, ठीक है। सो डॉटर्स बाय बर्थ, बेटों की तरह ही डॉटर्स को भी, बेटियों को भी सेम राइट मिलता है, ओके। अब कहते एक ये तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई ना, पर यहाँ पर जो टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी जैन अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जो जैन लोग होते हैं, या सिख लोग होते हैं, सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो भी इसी में आते हैं, HUF में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्योंकि कई लोग समझेंगे यार HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जो हिंदू नहीं है वो टैक्स नहीं पे करेंगे, नहीं। कहते जैन लोग हो गए, सिख लोग हो गए, वो भी इसी में आते हैं। तो अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात करें तो 2 तरीके के स्कूल होते हैं, एक दयाबाग स्कूल, एक मिताक्षरा स्कूल। लिख लीजिए दयाबाग स्कूल, अगर आप नहीं लिख रही हो सिर्फ सुनो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगा स्लाइड्स में, ठीक है। दयाबाग स्कूल में वो लोग आते हैं, मैं पहले समझाऊंगी क्या होता है दयाबाग स्कूल, पहले लिख लो दयाबाग स्कूल में आते कौन है, वेस्ट बंगाल और असम के लोग, और मिताक्षरा में वेस्ट बंगाल और असम को छोड़कर बाकी सारी स्टेट्स आती है। तो दयाबाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल होगा, मिताक्षरा स्कूल जो है वो पूरे मतलब इंडिया में बाकी में इंक्लूडेड होगा। दयाबाग स्कूल कहता है, दयाबाग स्कूल कहते हैं जब तक आपके हेड ऑफ द फैमिली जिंदा है तब तक आपका कोई प्रॉपर्टी में शेयर नहीं है,
दयाबाग स्कूल कहता है अगर आपके दादाजी जिंदा है तो वही उस दुकान के मालिक होंगे अगर उनकी दुकान है तो। मतलब बेटे जो है बाय बर्थ उनका कोई राइट नहीं बनता, जब दादाजी की डेथ होगी तब उनके बेटों को प्रॉपर्टी मिलेगी, जब दोनों बेटों की डेथ हो जाएगी फिर उनके बेटों को प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन मिताक्षरा स्कूल कहता है कि बच्चे के चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो पैदा होते ही उनका हक बन जाता है फैमिली की प्रॉपर्टी पर। समझ गए? इतनी बात समझ में लगी? लेट मी नो। सो ये सारा किसके अंदर आया? HUF के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताए? एक को पार्टनर्स क्या होते हैं, कर्ता क्या होता है, दयाबाग स्कूल क्या होता है, मिताक्षरा स्कूल क्या होता है, एंड एंड डॉटर्स को भी अलाउड है। हाँ जी, कोई किसी ने माइक अनम्यूट करा, बताओ फटाफट से। डन करें मैम, ये दयाभाग और मिताक्षरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी पार्ट होंगे। तो कहते हैं नहीं, दो तरीके के स्कूल है। दयाभाग वाले कहते हैं कि जब तक बड़ा जिंदा है तब तक छोटों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, लेकिन मिताक्षरा कहता है आपका बर्थ हुआ है तो आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे तुम वेस्ट बंगाल में नहीं रहती हो ना, सो इसका मतलब तुम्हारी तुम्हारे जो फादर की प्रॉपर्टी है उस पर तुम्हारा भी हक है, तुम्हारे भाई का भी हक है। समझ लगा? जो वेस्ट बंगाल में रहता है उनके लिए क्या होगा, जब तक ऊपर वालों की डेथ नहीं होगी तब तक आपका कोई हक नहीं है। समझ गए? ये फैमिली बिजनेस में काम आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इज कंपनी। कंपनी को समझते हैं। कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में आती है, लिख लीजिए। कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में आती है। अब कंपनी का मतलब क्या है? कोई कॉरपोरेशन जो इंडिया में बनी है या इंडिया से बाहर है तो उसे फॉरेन कंपनी कहेंगे। वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आनी चाहिए और चाहे वो इंडियन कंपनी है चाहे नई इंडियन कंपनी है, आप किस में आ जाते हो? अगर आपने कंपनी फॉर्म करी है या इंडिया में आप 182 डेज से ज्यादा रह रहे हो तो टैक्स आप पे करोगे। तो बड़ी सारी कंपनीज होती है, जैसे डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी माने इंडियन कंपनी एक तरीके की। डोमेस्टिक कंपनी पहले हेडिंग डालो। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी कंपनी होगी जिनमें सिंपल आप इंडिया की कंपनी है और आप इनकम टैक्स पे करते हो, डिविडेंड वगैरह भी इन कंपनी में दिया जाएगा। सो पेपर में डोमेस्टिक कंपनी आ जाए, इंडियन कंपनी आ जाए तो सेम बात है, बट डोमेस्टिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 22A, इंडियन कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 26। सो इंडियन कंपनी कौन सी होती है? जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आती है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब प्रिंसिपल ऑफिस, हेड ऑफिस, मेन ऑफिस। ओके, सो चाहे सेंट्रल लेवल पर आपने कंपनी बनाई है, स्टेट लेवल पर बनाई है तो चलेगा, वो कंपनीज एक्ट के अंदर आनी चाहिए। सिंपल आपको पता है, है ना? एंड अगर हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो वहां पर जम्मू कश्मीर के लॉज एप्लीकेबल होंगे, और अगर कोई यूनियन टेरिटरीज है लाइक दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पांडिचेरी या स्टेट ऑफ गोवा,
इनके अलग से लॉ होते हैं, समझ गए? कौन किन किन के लॉ अलग होंगे? एक यूनियन टेरिटरीज जो है, यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पांडिचेरी, गोवा इनके, एंड जम्मू एंड कश्मीर के अलग है। देन हमारा, हम अभी पर्सन्स कर रहे हैं, तीन तरीके के पर्सन्स हमने समझे, चौथा पर्सन होता है फर्म। फर्म आती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 23, जो ऊपर हमने करा था कंपनी, और सच मैंने इंडियन कंपनी बताया ना, और एक डोमेस्टिक कंपनी, एक एक फॉरेन कंपनी भी होती है, वो भी लिख लीजिए पहले, सेक्शन 2 सब सेक्शन 23A। फॉरेन कंपनी आपको पता है कौन सी होती है, जो फॉरेन में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है, है ना, हेड ऑफिस। चलिए अब चौथे तरीके के पर्सन होते हैं फर्म। फर्म का हमारा सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 23। फर्म में हमारी पार्टनरशिप फर्म वगैरह आ जाती है, पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है बेसिकली। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो रूल्स है वो यहाँ पर लायबल होंगे, ठीक है? अब पार्टनरशिप एक्ट हो गया, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 208 आएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट जो है वो 2008 के अंदर आता है ना, ठीक है ना? क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है आपका जो आपने एग्रीमेंट करा है वही आप कॉन्ट्रीब्यूट करोगे इन केस ऑफ बाइंडिंग अप। और अगर आप माइनर हो तो आपको भी इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट। आपको पता ही है जो माइनर होता है उसको फर्म में या पार्टनरशिप में प्रॉफिट के, प्रॉफिट का हकदार वो होता है, वो लॉसेस का हकदार नहीं होता, ठीक है जी? तो फर्म दो तरीके की हो गई, एक अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड दूसरा अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 208। ओके, देन एओपी। एओपी, एओपी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब कई लोग जुड़ते हैं कुछ काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे, गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया है लेकिन मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है एडवांस में कि मैं रोड कंस्ट्रक्ट कर सकूं, तो मैंने एक अपनी और जो कंपनी है उसको साथ में बोला, क्या हम दोनों मिलकर क्या कहते हैं एओपी बना ले रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, दोनों को प्रॉफिट होगा, ठीक है ना? तो दूसरा पर्सन हाँ कर देता है। तो जब कोई चीज थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए बनती है उसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। तो ज्यादातर ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जब आपका काम खत्म होता है तब आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन को खत्म कर देते हो, समझ गए ना? अब कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है, मैं अकेले तो नहीं कर सकता, तो मुझे किसी की जरूरत है। तो इस तरीके से पहले मतलब इन्होंने लिखा होता है कि हम 10 साल की एसोसिएशन बनाते हैं, 1 साल की बनाते हैं, लाइक दैट, या ये प्रोजेक्ट खत्म होने तक बनाते हैं, ठीक है? देन कम्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ज्यादातर आते हैं हमारे जैसे ट्रस्टीज आ गए, एग्जीक्यूटर्स हो गए, ठीक है ना? सो अब बेसिकली अगर हम डिफरेंस देखें एओपी और बीओआई में, सो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स मेंबर होते हैं, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की जब हम बात करें तो उसमें कंपनीज भी आपस में जुड़ती हैं, समझ गए? मतलब एसोसिएशन में ऑफ पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में दो कंपनियां भी आपस में जुड़ सकती हैं किसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, दो फर्म्स भी आपस में जुड़ सकती हैं, एक फर्म और एक कंपनी भी जुड़ सकती है, पर जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें इंसान इंसान ही जुड़ते हैं, कोई कंपनी वगैरह नहीं जुड़ती, ठीक है जी? तो याद रखेंगे एओपी में, एसोसिएशन ऑफ पर्संस में सिर्फ मेंबर्स का एसोसिएशन होता है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस में कंपनीज का एसोसिएशन भी हो सकता है, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंसानों का ही होता है। ओके ओके, देन कम्स हमारा सेवेंथ है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट बॉडी हो गया, लाइक दैट, तो वो भी हमारा पर्सन्स में आ जाता है।
तो हमारे 7 तरीके के पर्सन्स है, समझ में आ गए सबको? 7 तरीके के पर्सन्स बता दीजिए मुझे। हाँ उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा इनकम का सेक्शन। इनकम में हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 है, पहले ये लिखो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इनकम का पार्ट है। अब इसमें इनकम में सारी इनकम्स आ जाती है, सारे हेड्स की इनकम हो गई, प्रॉफिट गेन्स डिविडेंड एवरीथिंग, जो सारे हेड्स का टोटल इनकम मिलाकर होता है ना, वो सारी इनकम इसमें आ जाती है। सो ज्यादातर जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें ये पॉइंट्स आते हैं। ओके अब कल हम समझेंगे एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है एंड रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या आता है।